सेवा गार्डन में राजीव गांधी आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए गए हैं, लेकिन इस इलाके के दबंग और रसूखदार लोगों ने यहां सभी मकानों पर कब्जा जमा लिया है। अपने मकानों का कब्जा न मिलने से परेशान हितग्राहियों द्वारा न्यायालय की शरण ली गई। न्यायालय के निर्देश पर जिला प्रशासन पुलिस की मदद से यह कार्यवाही आरंभ कर दी है। डेमा गार्डन स्थित राजीव गांधी आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए गए सभी मकानों में रह रहे लोगों से पूछताछ की जा रही है। उन सभी लोगों से कागजात मांगे जा रहे हैं। यहाँ रहने वाले बहुत सारे गरीब लोग हैं। इन सभी को इलाके के दबंग और रसूखदार लोगों ने मकान किराए पर दे रखा है। जिला प्रशासन द्वारा पुलिस की मदद से रहने वालों की जांच की जा रही है, जिसके बाद यहां से अपात्र लोगों को हटाने की कार्यवाही की जाएगी। फिर यहां के सभी मकान पात्र हितग्राहियों को उपलब्ध करवाए जाएंगे। सर कितना बल लगाया हुआ है यहां पे और क्या देखा जा रहा है? यहाँ आज लगभग 70-80 लोगों का बल लगाया गया है। लेमा गार्डन में आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार सर्वे किया जा रहा है नगर निगम और रेवेन्यू की टीम के द्वारा। उसमें सुरक्षात्मक रूप से चूँकि टीमें सिविल नगर निगम की हैं और यहाँ लोग हो सकता है कि उनसे परिचित ना हो, इसलिए कोई विवाद की स्थिति ना बने। घरों का जो सर्वे हो रहा है उसमें निवासरत लोगों की जानकारी प्राप्त की जा रही है कि उसमें पात्र लोग हैं या अपात्र लोग हैं। उस आधार पर माननीय न्यायालय में सर्वे रिपोर्ट प्रस्तुत करनी है और उसी के लिए सारा बल आज यहाँ सुरक्षात्मक तौर पर लगाया गया है। ये लेमा गार्डन में राजीव आवास योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भी हितग्राही पात्रता धारण कर रहे हैं उनके संबंध में एक सर्वेक्षण यहाँ पे आज किया जा रहा है। माननीय हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन लगी हुई है 19560, उसके अनुक्रम में जो अपात्र हितग्राही होंगे जो इन दोनों योजनाओं में कवर नहीं हो सकते हैं उनका भी यहाँ पे सर्वेक्षण किया जा रहा है। और माननीय न्यायालय के निर्देश में कलेक्टर महोदय के संरक्षण में ये सारी कार्रवाइयाँ यहाँ पर की जा रही हैं। सर तीन थानों की पुलिस यहाँ देखी जा रही है, ऐसी कौन सी कार्रवाई की जा रही है? ये इसीलिए है कि किसी प्रकार का लोगों में भ्रम ना रहे, पुलिस यहाँ किसी लॉ एंड ऑर्डर के उद्देश्य से नहीं है, अपितु यहाँ पर जो पुलिस है हमारे जो कुछ दल सर्वेक्षण कर रहे हैं नगर निगम वगैरह के, किसी विवाद की स्थिति उत्पन्न ना हो, लोगों में किसी प्रकार की भय सुरक्षा ना हो, इसीलिए पुलिस यहाँ है। वर्तमान मौके से किसी को भी हटाया भी नहीं जा रहा है, केवल आज सर्वेक्षण की कार्रवाई की जा रही है। और जो पात्र लोग रहेंगे और अगर वो इन आवास योजनाओं का जो निर्धारित राशि है उसको जमा करते हैं तो उन सभी को यहाँ पर रहने दिया जाएगा और जो अपात्र होंगे उनको यहाँ से पृथक किया जाएगा। कितने दिन से सर्विस चलेगी? ये मोस्ट प्रॉब्ली कल शाम तक समाप्त हो जाएगा। थैंक यू। जबलपुर से आशीष बाथरे की रिपोर्ट।